वेलकम टू गुरु मंत्रा। आई होप एवरी वन इज डूइंग ग्रेट। सो गाइस, कॉन्टिन्यूशन में दिस इज द पार्ट 5 एंड बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इकोलॉजी के। मोस्ट 10 इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो मैं आप लोगों को डिटेल में बता रही हूँ विद एग्जाम्पल्स। ऑलरेडी 4 पार्ट हम कर चुके हैं। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दोज 4 पार्ट इन द कमेंट सेक्शन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। मेक श्योर आप वो चारों पार्ट भी देखे सो दैट कोई भी मिसिंग लिंक नहीं रह जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट के रूल्स के साथ। ओके गाइस, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट रूल्स है, अलीन्स रूल, बर्गमैन्स रूल, गॉस हाइपोथेसिस, ग्रोवर्स रूल, जॉर्डन्स रूल, रेंच रूल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल फोकस ऑन द रिमेनिंग रूल्स, जिसमें से नेक्स्ट रूल जो हमारा है दैट इज हार्डेन्स रूल। सो गाइस, बेसिकली हार्डेन के बारे में अगर बात की जाए, हार्डेन रूल के बारे में, तो ये रूल जो है दैट दिस रूल, ये नियम जो है कॉन्टेक्स्ट में आया था आफ्टर जे बी एस हार्डेन। बेसिकली ये रूल से ज्यादा एक ऑब्जर्वेशन थी, सिंपल ऑब्जर्वेशन थी रिगार्डिंग द हाइब्रिड्स। इस रूल का ये स्टेट करना था या ऐसी ऑब्जर्वेशन जो है देखी गई दैट इफ इन अ स्पीशीज hybrid only one sex is inviable or sterile, that sex is more likely to be the heterogametic sex. अगर आप एक hybrid species के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका अगर आप sex consider कर रहे हैं, let's say अगर आप horse and donkey इनके hybrid के बारे में बात करते हैं, that is mule, जिसको हम हिंदी में खच्चर कहते हैं, जो कि इनवायबल होता है या स्टेराइल होता है, जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकता। अगर आप उसका जो है प्रोफाइल देखेंगे, जेनेटिक प्रोफाइल देखेंगे, तो आपको मोर लाइकली इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स में, हाइब्रिड स्पीशीज में देखा जाता है कि इट इज मोर लाइकली टू बी द हीट्रोगेमेटिक सेक्स। हीट्रोगेमेटिक सेक्स का मतलब क्या है? वन विथ टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम। जैसे कि अगर आप मेमल्स की बात करते हो, वहां पर आप सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हो, तो दैट इज व्हाट एक्स एंड वाई, ये दोनों क्या हो गए? हीट्रो कॉम्बिनेशन हो गया। जबकि अगर आप फीमेल की बात करते हो तो दैट इज होमोगैमेटिक, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही एक्स एक्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन जो थी हार्डेन्स की, इट वॉज जस्ट कंसर्न विद द फर्टिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ हाइब्रिड्स। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि केवल फर्टिलिटी एंड वायबिलिटी को छोड़कर अगर हम हाइब्रिड की बात करें, ये रूल जो है बहुत सारे दूसरे ट्रेड्स को भी जो है वो जस्टिफाई करता है। एंड ये रूल बेसिकली अप्लाई होता है मेजॉरिटी ऑफ हीट्रोगेमेटिक ऑर्गेनिजम्स, जस्ट लाइक ड्रोसोफिला, मेमल्स एंड ऐसे बहुत सारे जीव जंतुओं में। इनफैक्ट अगर आप फ्लाइज के बारे में बात करते हैं, बर्ड्स के बारे में बात करते हैं, वहां पर भी हीट्रोगेमेटिक सेक्स जो है वो मिलते हैं। एंड अगर एक हाइब्रिड स्पीशीज है, उसमें आप अगर एक हाइब्रिड सेक्स के बारे में बात कर रहे हो, तो वो जनरली हीट्रोगेमेटिक सेक्स होता है, यानी कि इसके जो सेक्स क्रोमोसोम है दैट विल बी डिफरेंट, दैट विल नॉट बी इन होमो कंडीशन। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रूल के बारे में बात करें, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है हैमिल्टन रूल, जो कि बेसिकली आया है आपका बिहेवियर इकोलॉजी से। बेसिकली ये रूल जो है वो बेसिकली बताता है बिहेवियर एस्पेक्ट्स को। अगर आप इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, या फिर आपका जो यूनिट नंबर 11 है दैट इज इवोल्यूशन इन बिहेवियर, उसमें भी बिहेवियर वाला पार्ट कंसिडर करते हैं, तो वहां पर एक आप बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं दैट इज एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर, या जिसको आप एल्ट्रिज्म भी बोलते हैं, उसी के रिगार्ड में ये रूल दिया गया। एंड हैमिल्टन रूल के अकॉर्डिंग चीजों को जस्टिफाई किया गया इक्वेशन की हेल्प से। इस रूल का क्या कहना था कि जो सोशल बिहेवियर है, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का सोशल बिहेवियर जो इवॉल्व होता है, वो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस में ही इवॉल्व होता है। कुछ स्पेसिफिक परिस्थितियां होती हैं, कंडीशंस होती है, कॉम्बिनेशन होता है, जब वो बिहेवियर जस्ट लाइक एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर, जिसको हम सेल्फलेस कंसर्न भी बोलते हैं, मैंने पहले भी इसके बारे में आप लोगों को काफी बार बताया है, अपनी चिंता नहीं करते हुए अपने रिलेटिव्स को प्रोटेक्ट करना, अपने ऑफस्प्रिंग को, फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना, एंड सोशल एनिमल्स में ये बिहेवियर ज्यादा देखा जाता है। तो हैमिल्टन का क्या कहना था कि स्पेसिफिक कंडीशन में ही ये रूल देखा जाता है। अब वो स्पेसिफिक कंडीशंस कॉम्बिनेशन क्या है,
रिलेटेडनेस क्या है, बेनिफिट कितना है, कॉस्ट क्या है. आरबी शुड बी ग्रेटर देन सी. जो भी सोशल बिहेवियर यानी कि जस्ट लाइक एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, उसका रिलेशन किसके साथ, जिसके लिए वो शो कर रहा है, बेनिफिट बहुत ज्यादा होना चाहिए उसकी कॉस्ट से. कॉस्ट क्यों? बिकॉज सेल्फलेस कंसर्न है, वो दूसरे को बचा रहा है, बट वो प्रिडेटर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है. अगर ये कंडीशन जस्टिफाई होती है, इन दैट केस ओनली सोशल बिहेवियर जैसे कि एल्ट्रिज्म आएगा. अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, रिलेशनशिप करीबी नहीं है, कॉफिशियंट ऑफ रिलेटेडनेस कम है, बेनिफिट बहुत कम है, इन दैट केस सोशल बिहेवियर जो है वो शो नहीं होगा. सी इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय द एल्ट्रिस्टिक, बी इज द बेनिफिट जो रेसिपिएंट को मिल रहा है क्योंकि उसकी जान बच रही है, आर इज द कॉफिशियंट ऑफ रिलेटेडनेस बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट. सो दैट इज द केस यू नीड टू रिमेंबर. दिस इज अ बेसिक लॉजिक. अगर आप एक ऑर्डिनरी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करोगे एंड सेक्शुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की आप बात करते हो, तो 50% जीन्स जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहा है, वही वैसे ही 50% जीन्स वो अपने सिबलिंग्स भाई बहन के साथ भी शेयर कर रहा है. तो दीज आर द वन जो कि बहुत क्लोज रिश्ते हैं, क्लोज रिलेशन हैं. लेकिन जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएंगी, लाइक अंकल्स, आंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रंस, इसकी परसेंटेज घटती चली जाएगी. जितनी ज्यादा कॉफिशियंट ऑफ रिलेटेडनेस की वैल्यू होती है, उतनी ही हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि एक सोशल बिहेवियर जैसे कि एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर, सेल्फलेस कंसर्न का बिहेवियर शो होता है. अगर आर की वैल्यू बहुत कम है, वहां पर एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो नहीं होगा. किन सेलेक्शन थ्योरी में भी आप ये चीज पढ़ते हो, किन सेलेक्शन थ्योरी प्रिडिक्ट्स दैट एनिमल्स आर मोर लाइकली टू बिहेव एल्ट्रिस्टिकली towards their relatives than towards unrelated members of their family. Meerkat, again very alert social organisms जो कि altruistic behavior show करते हैं, लेकिन basically इनकी भी groupings होती हैं, छोटे छोटे groupings होती हैं, groups में रहते हैं. तो ये ज्यादा altruistic behavior show करेंगे अपने relatives के लिए, like इनकी भी families हैं, उनके लिए altruistic behavior ज्यादा show होगा rather than unrelated members of the species. इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन, जिसको आप हिंदी में प्राकृतिक चयन बोलते हो, दैट फेवर्स एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर बाय एनहेंसिंग रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ रिलेटिव्स देन टुवर्ड्स अनरिलेटेड मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज. क्योंकि अगर अगर आप नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, तो वो भी सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट को ही प्रमोट करती है, कि वही जो अपना रिप्रोडक्टिव सक्सेस रेट बढ़ा सकता है, वही एक्यूरेटली फिट होगा, अदरवाइज वो फिट नहीं होगा. तो ये रिलेटेड मेंबर्स की तरफ उनको एल्ट्रिस्टिक एक्ट शो करके, क्योंकि आर बड़ा है, फैमिली मेंबर्स हैं, उसकी तरफ एल्ट्रिस्टिक एक्ट शो करके जो है अपनी ही रिप्रोडक्टिव सक्सेस रेट जो है वो बढ़ा रहे हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज हैमिल्टन रूल. सो दैट वाज द मेन थिंग गाइस. वन मोर थिंग, as you know that I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy, which is the India's largest learning platform, मैं वहाँ पर भी daily live classes लेती हूँ. In case you are interested to join daily live classes for upcoming CSIR NET exam, आप definitely मुझे वहाँ पर join कर सकते हो. Unacademy learning app download करने के बाद अगर आप नेहा तनेजा search करेंगे, there you will find me. वहाँ पर मेरे बहुत सारे courses हैं. फ्री कोर्सेज, मोर देन 650 लेसन्स आर प्रेजेंट जो कि आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो. मोर ओवर सम स्पेशल फ्री क्लासेस भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं आप लोगों के लिए एवरी मंथ. साथ ही डेली प्लस सेशंस भी चलते हैं जो कि पेड सेशंस होते हैं, जिसमें डिटेल्ड में काम होता है. पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स दिए जाते हैं, हर क्लास की रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिलती हैं, एंड क्लियरली डाउट सेशंस एंड क्विजेस भी होते हैं. टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अ पार्ट of plus. It's a complete package for 1 month, 3 month, 6 month, 12 month and 24 month. आप join कर सकते हैं. आपको plus से regarding कोई भी information चाहिए, आप directly मुझे tanejaneha official@gmail.com पर message कर सकते हैं. At the time of fees payment, आप अगर मेरा referral code use करते हैं, that is neha neha, तो आपको 10% discount total fees पर मिल जाता है. स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं. आई विल बी वेरी हैप्पी अगर मैं आपकी क्वेरीज का आंसर कर पाऊँ.
सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए रूल्स के साथ, एंड फिर हम लास्ट में CSIR के क्वेश्चंस भी करेंगे. स्टे सेफ एवरीवन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.